और चुनाव से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में अमित शाह रोड शो करेंगे। 18 अप्रैल को गृहमंत्री रोड शो करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करने से एक दिन पहले मेगा रोड शो किया जाएगा। 7 विधानसभा क्षेत्रों में 6 चरणों में होगा रोड शो। सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक रोड शो करेंगे अमित शाह। और इस बीच आज अमित शाह जम्मू और कश्मीर में थे। जम्मू और कश्मीर में गृहमंत्री अमित शाह की रैली हुई। पलौरा की रैली में शाह ने आतंकवाद पर निशाना साधा। आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है, ये कहा। युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह अब लैपटॉप है। जम्मू और कश्मीर में तिरंगा शान से लहरा रहा है। धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। आज धारो 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है। लैपटॉप है परिवर्तन नरेंद्र मोदी। ओवैसी पर और इस बीच आज अमित शाह जम्मू और कश्मीर में थे। जम्मू और कश्मीर में गृहमंत्री अमित शाह की रैली हुई। पलौरा की रैली में शाह ने आतंकवाद पर निशाना साधा। आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है, ये कहा। युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह अब लैपटॉप है। जम्मू और कश्मीर में तिरंगा शान से लहरा रहा है। धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। आज धारो 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है। लैपटॉप है परिवर्तन नरेंद्र मोदी। ओवैसी पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला। उद्धव के